बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुमान में रखे और अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सॉरी, तो आज के ब्लॉग का करते हैं स्टार्ट। तो यास्मीन ब्लॉग के साथ आप सबको खुश आमदीद। तो चलें जी, आज जो जो होगा एक्टिविटी थोड़ी बहुत जितनी शेयर कर पाऊँगी मैं आपके साथ करूँगी। तो सबसे पहले मेरे ये प्लांट देखें आप, माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं। ये देखें, ये घर में मैंने छोटा सा किचन गार्डन बनाया हुआ है। तो ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह पाक की शान है, हर चीज़ में उसकी शान ही नज़र आती है। तो दुरूद पाक भी ज़रूर पढ़ा करें आप, ज़रूर पाक पर और उनकी आले पाक पर। कुछ इस साइड पे भी मैंने पौधे रखे हुए हैं, देखें। मैं बीज लाई थी, वो मैंने बीज लगाए थे, कुछ पौधे जो हैं वो मैं नर्सरी से लेकर आई थी। खुश हूँ आप लोग मेरी वीडियोस, मेरे खासकर मेरे जो शॉर्ट हैं वो काफ़ी पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत ही यकीन करें कि खुशी होती है कि मुझे भी कोई देख रहा है या मेरे भी व्लॉग कोई पसंद कर रहा है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये वही है, ये देखें फूल, देखें माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। ये जो मैंने आपको बताया था ना, ऐसे किसी ने काट के फेंका हुआ था तो मैं ले आई। अब इसको मैंने इधर हैंग कर दिया है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अंदर चलते हैं। देखिए जी मनी प्लांट, मैंने पाक की तिलावत लगाई हुई है। सुबह सुबह सूरज बकरा ज़रूर लगाया करें, इससे घर में बहुत ज़्यादा बरकत और हर तरह की मुसीबत जो है वो टल जाती है। फरवा स्कूल जा रही है, अपने स्कूल के लिए रेडी हो गई है। फरवा स्कूल जा रही हो, सलाम कर दो। देखिए ये मेरी सबसे छोटी बेटी है उम्मे फरवा, ये स्कूल जा रही है। अंदर देखो बेटे, दूध वाला नहीं आया है तो सुबह सुबह चाय के लिए ये जहाज आ रहा है। करता के चाय पिए, तो दूध वाला अभी आया नहीं है। ये कल मैंने गंदा बाहर निकाल दिया, इसको मैंने अब धोना है। ये देखें, ये राहिब जो है छोटू, वो आया था, उसने ये सारा गंदा जो है उसके अंदर वॉशरूम कर दिया था। तो अब मैं इसको धो के फिर अंदर रखूँगी। मैं जा रही थी ज़रा अब्बू की तरफ, क्योंकि मेरे अब्बू का 2-2.5 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था। टांग उनकी काटी थी, उनको डायबिटीज़ है, शुगर है उनको। तो मैं उधर जा रही हूँ अब्बू की तरफ। तो चलें, मैं आज आपको अब्बू से भी मिलवाऊँ। वैसे तो पहले भी मैं उनके घर आपको लेके गई थी। इसी घर से उतरते हैं अब। बाहर आ गई हूँ मैं, अबू की तरफ जाके मैं फिर आपसे बात करती हूँ। जी सुबह का टाइम है, सब आ जा रहे हैं लोग, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सुबह 7:30 बजे का टाइम है, ये देखें माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं और मैं अबू की तरफ जा रही हूँ। तो मैंने कहा था जब रिक्शा वाला आए तो आप स्कूल चले जाना। कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा अपना अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और इंसान सब कुछ कर सकता है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। बस अपनी हिम्मत को नहीं
छोड़ना चाहिए। जी निगाह हुसैन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो निगाह, कहाँ जा रहे हो? ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको कामयाब करे। था मेरे भाई का बेटा जो स्कूल जा रहा है, तो ये आ गया अम्मी अब घर। अपना नहीं है, इनका रेंट पे घर है, ऊपर रहते हैं। ये कल मैंने 2-4 दिन पहले पौधे लगाए थे। क्या हाल है सालिया? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। क्या कर रही हो? मेरी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक अम्मी जी, क्या कर रही हैं? आटा गूंद रही हैं। तो बच्चों का नाश्ता देना है। मेरे अबू जो सो रहे हैं, इनकी टांग का हुआ था ऑपरेशन, तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। बस मेरा भाई सोया हुआ है, मेरी छोटी बहन, मम्मी जी आटा गूंद रही हैं और अबू जी सो रहे हैं। उठ गए हैं अबू जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अब कैसी तबीयत है? ये देखें जी, ये थी इनकी जो ये टांग, इसका ऑपरेट हुआ था, ये टांग ठीक है माशाल्लाह। और ये देखें, हाँ जी, एक मिनट, ये देख, बस ये शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इनको ज़िंदगी दी है, ये सही सलामत हमारे सामने है, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। तो बस अल्लाह पाक अब इनकी मदद करे। होते हैं वो बहुत अजीम रिश्ता है, माँ बाप बस नज़र आते रहे काफ़ी है, अल्लाह पाक इनको सेहत दे। चाय पिलाएं, मैं आपके घर चाय पीने आई हूँ। अच्छा जी बेटा जी, चाय बनी हुई है, मैं गर्म करके देखती हूँ। मैं आज अपने अब्बू के घर चाय पीऊंगी। मेरी अम्मी जी कह रही हैं कि जब मर्जी आओ चाय तैयार है, माएँ तो फिर ऐसी होती हैं। चलें जी अम्मी अब्बू के, ये अब्बू की चेयर है जिस पे अब्बू जी बेचारे बैठ के तो अपनी हाजत रवाई करते हैं। ये छत है, ये देख, ये सब सो रहे हैं, हम सुबह सुबह ही आ गए। क्या नया बिस्तरा बनाओगी जी? ये धोने वाली है? हाँ जी, ये धोने वाली, इसके ऊपर नया कवर आएगा। जी इसी के साथ हम ब्लॉग का करते हैं एंड। तो मैं अभी बस अम्मी की तरफ चाय पी के तो फिर मैं घर जाऊंगी, तो जाके अपने बच्चों को देखूंगी। आज मेरी बेटी का पेपर भी है, तो बहुत सी ढेरों ढेर दुआओं के साथ आपको अल्लाह हाफिज़ करती हूँ। तो फिर से दोबारा बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स और शॉर्ट खासकर बहुत अच्छे आपको लगे, आपने देखे, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह ही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान आगे जाता है, तो शुरू में थोड़ा होता है मसला, लेकिन इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो हिम्मत से इंसान चलता रहे तो बहुत कुछ ठीक हो जाता है। तो आप इसी तरह मेरा साथ दें, बहुत शुक्रिया, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। तो यकीन करें, इतना मुश्किल टाइम होता है कि मतलब टाइम नहीं मिलता, तो बड़ी मुश्किल से ये इंसान जो है इस चीज़ को कवर कर पाता है, तो मेहनत होती है। तो आप बस मैसेज कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, यही आप लोगों की तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो ये देखें माशाल्लाह एलोवेरा कितना प्यारा है। चले जी अल्लाह हाफिज़। ये देखें अम्मी जी बर्तन लेके आई हैं।